हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंडेक्स के बारे में। जो भी अपने इंडियन मार्केट के इंडेक्स है वो अभी कहाँ पे चल रहे हैं, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो मैंने सबसे पहले जो पेज ओपन करता हूँ वो है विक्स, जो है वॉलीटिलिटी US का। तो यहाँ पर दिखा रहा है विक्स, ये 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे और 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे। तो जैसे जैसे यहाँ पर विक्स डाउन होगा और अपना इंडियन मार्केट वहाँ पर अप ट्रेंड में जाएगा। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अभी निफ्टी। तो आपको पहले निफ्टी दिखा, तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 20 के भी ऊपर है, कंटिन्यू न्यू पे न्यू हाई बनाए जा रहे हैं। तो ये हमने निफ्टी का व्यू ले लिया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का व्यू ले लेते हैं। तो आप ये बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये अपना 20 मूविंग के ऊपर भी है। साथ में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों हाई मार रहा है। अब हम चलते हैं सेक्टर के पास। तो सबसे पहला जो सेक्टर यहाँ पे ओपन किया ऑटो सेक्टर है। तो ऑटो सेक्टर आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यू जो है 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पे रजिस्ट 20 मूविंग एवरेज के यहाँ पे जो ऊपर अब हाई मार के और नीचे लो मार के की जो एरिया है वहाँ पे चल रहा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। ये रहा ट्रेंड लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाई मार रहा है और यहाँ से जो इसका सपोर्ट जोन है वो भी यहाँ पे ड्रॉप कर देता। तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं भी आगे। यहाँ पे मैंने ओपन किया एनर्जी सेक्टर। तो आप एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं, ये भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 20 के भी ऊपर है। तो ये भी सेक्टर बहुत अच्छा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर हम ओपन करते हैं, ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर बहुत ही अभी नीचे चल रहा है, जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे से वापस अभी ऊपर आया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये जो ये मूविंग एवरेज यहाँ पे रेंज बाउंड में चल रहा है, जैसे अगर इसने वापस से 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो यहाँ इसके स्टॉक्स में आपको ज़्यादा वॉलीटिलिटी भी नहीं मिलेगी और ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन भी नहीं मिलेगा। अब ये आईटी सेक्टर मैंने ओपन किया, आप देख सकते हो लास्ट 3 महीने में आईटी सेक्टर बहुत गिरे हुए स्टॉक से। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आईटी सेक्टर में आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले सालों में आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और सेकंड चीज़ मैं ये बताने वाला, अभी आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में, तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मैंने ओपन किया हेल्थ केयर वाले सेक्टर। तो ये सेक्टर में देख रहे कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो मैं ड्रॉ कर देता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर रजिस्टेंस है, इस एरिया में ये चल रहा है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर अब हम चलते हैं अगले सेक्टर पर, जो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर भी अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये रेंज बाउंड ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ पे अच्छा भी मेटल सेक्टर आगे जाके परफॉर्म कर सकता है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और फिर और एक लास्ट सेक्टर बचा है, वो मैं आपको बताऊंगा, नॉट अ लिस्ट, बट जो यहाँ पे रियलिटी सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ही कम स्टॉक है। तो आप इसमें रियलिटी सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1% या 2% अपने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपको कोई ऐसा न्यूज़ या कोई कन्फर्मेशन मिले तो ही रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू।